आइए अब देखते हैं हरियाणा की टॉप 10 न्यूज। हरियाणा के पूर्व कैबिनेट मंत्री ओपी धनखड़ को मिली प्रदेश बीजेपी की कमान। सुभाष बराला की जगह ओपी धनखड़ को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। सीएम मनोहर लाल ने दी बधाई। झज्जर पहुंचने पर ओपी धनखड़ का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। परिवार में खुशी की लहर। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ के कार्यालय पर डांस करते दिखे कार्यकर्ता। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने नवनियुक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ को बधाई दी। रणजीत चौटाला ने कहा, ओम प्रकाश धनखड़ को राजनीति का बहुत अनुभव है, अनुभव से बीजेपी को बुलंदियों पर ले जाएंगे। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा, कोरोना महामारी से निपटने के इंतजाम पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा, कोरोना को हराने के लिए सख्ती जरूरी है। बॉर्डर पर कोई चेकिंग नहीं है, जबकि यूपी में बॉर्डर पर सख्ती जारी है। महेंद्रगढ़ में सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्री ओमप्रकाश यादव ने लक्ष्मी नारायण हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। भारत विकास परिषद द्वारा यहां रक्तदान शिविर लगाया गया। ओमप्रकाश यादव ने कहा, रक्तदान महादान है। फरीदाबाद के सेक्टर 6 स्थित केआर कंपोनेंट कंपनी में ऑक्सीजन का सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से 2 युवकों की मौत हो गई। धमाके के बाद कंपनी में अफरा तफरी भी मची। हादसा कंपनी में खराब हुई गैस पाइपलाइन के रिपेयर के दौरान हुआ। पानीपत में सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत। पति घायल। हादसे के 40 मिनट बाद भी सड़क पर पड़ा रहा शव। कैथल के ऋषिनगर में एक बैल गंदे पानी नाले में जा गिरा। इसे कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। कई लोग वहां से आते जाते रहे, लेकिन किसी ने बैल को बाहर निकालने का प्रयास नहीं किया। वहां एक सामाजिक संस्था की तरफ से सदस्य पहुंचे और उन्होंने बाहर निकाला। रोहतक पुलिस ने 2 शूटर्स को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों से पूछताछ के दौरान पिछले दिनों गुहाना में हुई हत्या की वारदात का खुलासा हुआ है। दोनों को अदालत में पेश कर प्रोडक्शन वारंट पर लिया गया।